और मैं आज भी पेंटिंग करता हूँ तो मिडिल टोन से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैंने इस पे सोचा कि कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा हूँ यहाँ कि चित्र के जैसा रंग जीवन का मिडिल टोन को जीता हूँ, हाईलाइट और हाईडाप से चित्र जीवन कर देता हूँ। क्या बात है। बहुत सुनाई दुनिया की कहानी, अब थोड़ी सुनना अपनी वाणी। ना मैं कवि ना मैं शायर, बस परिस्थितियों को लिखता हूँ, चित्र के जैसा रंग जीवन का मिडिल टोन को जीता हूँ। क्या बात है। कला मार्ग हो जिन पन्नों पर मैं उन विचारों को जीता हूँ, छोटा सा एक काम है मेरा, दर्पण समाज का रंगता हूँ, चित्र के जैसे रंग जीवन का मिडिल टोन। बहुत ही खूब। कलाकृति मेरी जीवन शैली मौसम को अनुभूति से रंग ली, ना मैं राजा ना मैं परिंदा, फिर भी ऊंचाइयां छूता हूँ, चित्र के जैसा रंग जीवन का मिडिल टोन को जीता हूँ। बहुत ही उम्दा कविता लिखी है आपने, शब्दों की अदायगी बहुत ही अच्छी है। वैसे आप एक आर्टिस्ट हैं रवि, तो क्या आपने कभी आर्ट कला के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं? जैसे मैंने आर्ट के लिए मैंने लिखा है, जब जब देखा उगता सूरज, किरणें आकर बोल उठी, कला तो है मन की अभिव्यक्ति, तो सोचो मन की मन में क्या सवाल उठी। बहुत ही अच्छा लिखते हो रवि, और मैं तो यही चाहूंगी कि आप अपने हर एक हुनर को हर दिन जियो और हर दिन कुछ नया देखने को मिले हमें। ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी रवि के साथ, ओनली यानी सिर्फ रेडियो ऑरेंज पर। कुछ खट्टा कुछ मीठा, स्टे ट्यून्ड। अरे सुना है राधा को बाधा हुई है मंजुलिका की। मंजुलिका की।